पीथमपुर में सर्व ब्राह्मण समाज का महाअधिवेशन पीथमपुर इंडोरामा श्रीराम मंदिर के सामने विशाल मैदान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया, प्रदेश टूरने समूह के हृदय दीक्षित, परशुराम सेना के प्रदेश संरक्षक अनुप वाजपेयी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गोलू अग्निहोत्री थे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के ब्राह्मण समाज के अध्यक्षगण भी अतिथि के रूप में मौजूद थे। सर्व ब्राह्मण समाज के इस विशाल सम्मेलन में आसपास क्षेत्र के हजारों की तादाद में ब्राह्मण समाज सह परिवार उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार एवं शंखनाद के साथ हुई। कार्यक्रम का संचालन सेना के प्रदेश प्रवक्ता पंडित दीपक शुक्ला व रामानुज पांडे ने किया एवं आभार प्रदर्शन पीथमपुर अध्यक्ष पंडित अनिल द्विवेदी व रमेश चंद्र मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनुप शुक्ला द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी में मनोनीत किए गए पदाधिकारियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित कर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। अतिथियों को शाल श्रीफल एवं भागवत ग्रंथ भगवताचार्य श्री लोकेशानंद जी के कर कमलों द्वारा भेंट किए गए। आयोजन में ब्राह्मण हित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई एवं परशुराम सेना के माध्यम से प्रदेश ब्राह्मण समाज को संगठित करने हेतु अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णु राजौरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार और हम सबके नेतृत्वकर्ता आदरणीय रजेश दीक्षित जी, श्री परशुराम सेना के संरक्षक श्री अनुप जी वाजपेयी अनु भैया भाई अग्निहोत्री जी, विशाल गोलू अग्निहोत्री जी, समाज का युवा नेतृत्व हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय प्रदीप द्विवेदी जी से, आदरणीय अनिल द्विवेदी जी से कि हमारे सभी अतिथियों को मंच पर स्थान ग्रहण करवाएं और भगवान परशुराम जी के जोरदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।